अखंड भारत टीवी के हमारे सितारे कार्यक्रम में हम आपको मिलाते हैं ऐसे लोगों से जो अपने कार्य एवं बातों के जरिए लोगों को नई दिशा दिखाते हैं एवं समाज को नए तरीके से सोचने पे विवश करते हैं। आज हम आपको मिलवाते हैं लखनऊ के दिनेश कुमार जी से, जो कि हाईकोर्ट के युवा वकील तो हैं ही, साथ में एक निर्भीक पत्रकार एवं समाज सेवी भी हैं। दिनेश जी किसानों को एवं मजदूरों को मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करते हैं तथा आज ही हम सबको बताएंगे कि किस प्रकार कोरोना की लड़ाई में आप भी अपना समाज के प्रति योगदान दे सकते हैं। आइए, चलिए हम आपसे मिलवाते हैं दिनेश जी को। हेलो दिनेश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं दिनेश कुमार एडवोकेट आप सभी भारतवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मुझे अखंड टीवी भारत में बोलने का अवसर मिला, जिसके लिए मैं अखंड भारत टीवी को धन्यवाद देता हूँ। वर्तमान समय में सभी लोग अवगत हैं कि हम कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिन श्रमिकों ने बड़े बड़े व्यापारियों को अरबपति करोड़पति बनाया, श्रमिक ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का नींव होते हैं और अपने कंधों पर एक भार लेकर के उस फैक्ट्री मालिक को अरबपति करोड़पति बनाता है, जो हमारे भारत का मजदूर। मुझे इतना दुख और अफसोस हो रहा है कि आप जब घर से बाहर निकलिए कुछ आवश्यक कार्य के लिए, तो हमारे श्रमिक भाई मजदूर अपने छोटे छोटे बच्चे पूरे पूरे परिवार को लेकर रोड पे कैसे निकल रहे हैं। क्या वो फैक्ट्री मालिक जिन श्रमिकों की वजह से आज वो एसी में बैठे हुए हैं, क्या उनको वो एक महीना डेढ़ महीना भी भोजन नहीं करा सकते थे? बहुत दुख है, उन्हें कम से कम एक डेढ़ महीना तो भोजन करा ही देते, वो भी सिर्फ और सिर्फ बहुत न्यूनतम स्तर का भोजन करते हैं। जो भोजन फैक्ट्री मालिक करता है उसका आधे से भी आधा खर्चा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। मैं उन श्रमिक भाइयों से आग्रह करता हूं कि ये घड़ी समाप्त होने के बाद जिस फैक्ट्री मालिक ने आपको बाहर किया है, उसकी फैक्ट्री में तो बिल्कुल भी काम ना करें, कोई और कार्य कर लें, कोई नया रोजगार सृजन कर लें, उसमें कार्य कर लें, लेकिन उस फैक्ट्री मालिक के कारखाने में कार्य ना करें। और मेरा लोगों से, अपने साथियों से आग्रह है कि जो आपसे हो सकता है, जैसे कि रात में आप निकल जाएं रोड पे, कुछ 10-20 पैकेट भोजन का बना लें घर से, 40-50 पानी के पाउच तैयार कर लें और उन श्रमिकों को उपलब्ध करा दें। मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। और अगर आपसे लगता है कि हम ये भी नहीं कर सकते, तो वाक के बहाने रोड पे चले जाएं और उन्हें रास्ता बता दें। बहुत से श्रमिक रास्ता भटक जा रहे हैं, उल्टा उल्टा चले जा रहे हैं। जिसको इलाहाबाद जाना है वो फैजाबाद रोड पे चला जा रहा है। नहीं धन खर्चा कर सकते हैं, अपने मन की वाणी खर्चा करें और उन्हें रास्ता बताएं। मैं भी ऐसा कार्य कर रहा हूं। मैंने कल रात में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक लोगों को रास्ता बताया है और एक आध जगह पानी की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। तो आप लोगों से भी आग्रह है कि मेरी बात को माने और ऐसा जरूर कर दें। उन श्रमिकों की दुआ कहीं नहीं जाएगी, ये कुछ समय बाद आपको एहसास होगा। जय हिंद, जय भारत, और अखंड टीवी भारत का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ।